आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शाम का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है, एक बोल में चना दाल है, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने धुली वाली उड़द दाल ले ली है। अब इसे हमें पहले भिगा लेना है 1 घंटे के लिए कम से कम। तो मैंने ना यहाँ पे गर्म पानी में भिगाया है इसे, जिससे ये जल्दी से फूल जाए। तो चना दाल है इसे अलग बर्तन में भिगोना है, और जो उड़द दाल है उसे अलग भिगोना है हमें, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा बचाना भी है। तो बस 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे भिगा करके, जिससे ये फूल जाए अच्छे से। दाल अच्छे से फूल गई है क्योंकि मैंने इसे गर्म पानी में भिगोया था। अब पानी हटा करके इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे दूसरे पानी से, और उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ये वाली दाल भी अच्छे से फूल गई है। अब दोनों दाल को धुल करके हमें इसे पीस लेना है। तो ये मैंने धुल लिया है। अब जो उड़द वाली दाल है उसे ना आधा ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और आधा हमें बचा लेना है। अब इसमें चना दाल डाल देंगे। चना दाल ज्यादा है इसलिए 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक साथ आप ग्राइंड करेंगे तो सही से ग्राइंड नहीं होगा, क्योंकि हमें इसे बिना पानी के ग्राइंड करना है। ग्राइंड कर लिया है मैंने इसे, एकदम बारीक ग्राइंड नहीं किया है, थोड़ा सा दरबरा रहता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए कुछ दाल इसमें साबुत बची हुई है। तो इसे एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे, और जो बाकी चना दाल है उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे, वो भी बिना पानी के। अगर आप पानी के साथ ग्राइंड करेंगे तो वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। जो हमने उड़द दाल बचाई थी उसे इसमें डाल देंगे, और साथ में 1/4 चम्मच हींग पाउडर डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालना है। साथ में 2 मीडियम साइज का प्याज है, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और मेथी का पत्ता यूज किया है मैंने, जो हरी मेथी आती है ना उसी का पत्ता है, उसे मैंने बारीक कट कर लिया। इसके अलावा इसमें हमें और कुछ नहीं ऐड करना है। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ से ही अच्छे से ये मिक्स होगा, तो इसलिए इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करें, हाथों को थोड़ा सा गंदा करें, तभी ये अच्छे से मिक्स होगा। मिला लिया है मैंने इसे अच्छे से। अब साथ में ही एक बोल में पानी ले लेंगे, साफ पानी उसे हाथ पे थोड़ा सा लगाएंगे, और थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर लेके इसे हम राउंड करके फ्लैट करेंगे। जब आप ये बनाना शुरू करें उसी टाइम पे एक पैन रख दें, उसमें थोड़ा तेल डालकर उसे गर्म कर लें, क्योंकि जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी इसे हम फ्राई करेंगे। हल्का सा पानी इसलिए लगाते हैं जिससे आप इसे अच्छा सा शेप दे सके, नहीं तो जो आप बनाएंगे वड़ा वो टूट जाएगा। तो इस तरह आप इसे एकदम अच्छा सा परफेक्ट शेप दे सकते हैं। अब इसे बनाते जाएं और पैन में इसे डालते जाएं, क्योंकि अगर आप इसे बना करके रख लेंगे तो दोबारा जब आप इसे उठाएंगे ना तो टूट सकता है ये, इसलिए बनाते जाना है और पैन में डालते जाना है। जब पैन में इसे आप डालें तो तेल देखें एकदम गर्म हो, और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, और फिर इसे पका लेना है हमें, गोल्डन फ्राई करना है। जब गोल्डन कलर का हो जाए तभी इसे निकालें, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। इसे फ्राई करते टाइम आप इसका फ्लेम जो है हाई या मीडियम कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर आपको इसका आइडिया नहीं है कि कब फ्लेम हाई करना है और कब मीडियम करना है, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही करें, नहीं तो जो वड़ा आप बनाएंगे वो जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही इसे गोल्डन फ्राई करें। तो इस तरीके से आप बनाते जाएं और इसमें स्पेस भी बनाते जाएं, और फिर से बना कर के इसमें वड़े डाल सकते हैं, जिससे आपके वड़े जो है वो थोड़ा सा जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इसे बीच बीच में चेक करते रहें, जो बड़े गोल्डन फ्राई हो जाएं उसे निकाल करके रख लें, नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि सबको एक साथ ही निकालेंगे तो आपने इसमें सब एक साथ डाला तो है नहीं, तो वो फिर जलने लगेगा, इसलिए जो बड़े गोल्डन फ्राई हो जाएं उसे निकालते रहें। तो इस तरीके से आप स्पेस भी इसमें बना सकते हैं कि नए बड़े बना करके आप इसमें डाल दें। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर यू विल लव इट। शाम को जब आप चाय बनाते हैं ना तो उसके साथ ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे कहने से एक बार जरूर बनाइएगा इसे, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह सारे वड़े बना करके आप इसे गर्मा गर्म सर्व भी कर सकते हैं, या फिर आप
कुछ लोग हैं या हॉस्टल में आप रह रहे हैं, एक दो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो साथ में से बना करके एक साथ खाएं। इस टाइम मार्केट में मेथी के पत्ते अवेलेबल भी हैं, तो अगर आपको कोई नया नाश्ता ट्राई करना हो तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच में मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे घर में भी ये हर किसी को पसंद है। इस तरह मैंने सारे वड़े को बनाया है, कुछ वड़ों को निकाल लिया है और अगर जगह बची है तो उसमें नए वड़ों को फिर से बना करके डाल दिया है। आप भी वड़े को इस तरीके से बनाइए, आपका टाइम भी बचेगा। तो ये मेरा वड़ा जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, ये लास्ट बैच है जो मैं बना रही हूँ, एकदम गोल्डन कलर का हो गया है, तेल भी कम हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें। बस फाइनली ये भी बन करके तैयार हो गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जो हमारी फैमिली है वो 4000 प्लस की फैमिली हो गई है, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट।